Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher. Today we are going to discuss about the advantage and limitation of that Bohr's theory, right? In the last previous lecture, we discussed about the Niels Bohr atomic model. So, ye uske postulates ke baare mein study kiya tha. Now, in this lecture, first of all, we see that the advantages of that Bohr model. Advantage of बोर्स मॉडल, राइट, कि जो बोर मॉडल था उसके एडवांटेजेस क्या क्या थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं. आफ्टर दैट वी ऑल्सो टॉक अबाउट द लिमिटेशन ऑफ दैट बोर्स मॉडल. ओके, द फर्स्ट एडवांटेज इज इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, राइट. जो हमारा बोर मॉडल है उसके थ्रू हमने जो एटम है उसकी स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन करता है. देन इट्स आल्सो एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम, राइट, मींस लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कैन बी एक्सप्लेन्ड विथ बोर्स मॉडल, एटॉमिक मॉडल, राइट, कि वो स्पेक्ट्रम कैसे मिला जो हमने देखा था ना, ट्रांजिट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड दूसरा एमिशन स्पेक्ट्रा, सही है. तो जब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके लो टू हाई एनर्जी लेवल में जाता है तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखा. जब वो एनर्जी को एमिट करके हायर टू लोअर एनर्जी लेवल में आता है तब वो एमिशन स्पेक्ट्रा देखा. तो उसी तरह से हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा था वो ये बोर मॉडल एक्सप्लेन करता है, सही है. नाउ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बोर थियोरी, radius of various orbits, velocity of electron and energy of that electron in various orbit of hydrogen-like species can be calculated. सही है, हमने उसी थियोरी में देखा था, उन्होंने जो रेडियस के लिए फॉर्मूला दी थी, एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए भी फॉर्मूला दी थी, और वो जो फॉर्मूला थी वो किसके लिए अप्लाई होती है, तो जो हाइड्रोजन जैसे स्पीसीज है, सही है, जिनके पास वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके लिए ये सारी फॉर्मूला अप्लाई होती है. और उनके लिए हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये हो गए हमारे एडवांटेजेस ऑफ बोर मॉडल, राइट, कि उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया, साथ में हमें रेडियस, एनर्जी और वेलोसिटी भी फाइंड आउट करके दी. लेकिन उसके भी बहुत सारे लिमिटेशंस थे, तो उसे स्टडी करते हैं लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल, सही है. तो उसके क्या क्या लिमिटेशंस है उसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम. बोर्स मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, राइट, क्योंकि हमने बात की कि ये जो है किसके लिए अप्लाई होती है, हाइड्रोजन जैसे स्पीसीज हो जिसके पास सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन हो उसी के लिए सारी चीजें अप्लाई होती है. लेकिन जिनके पास
वन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए ये मॉडल वर्क नहीं करता है, उसे वो एक्सप्लेन नहीं करता है, सही है। इट कैन ओनली एक्सप्लेन, इट कैन ओनली एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज लाइक हाइड्रोजन एटम, HE+ एटम, राइट, Li+2, Be+3, ऐसे जो एटम हैं जिनके पास सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन है उसी को वो एक्सप्लेन करता है, बाकी के जो एलिमेंट्स है उसे वो एक्सप्लेन नहीं करता है। ओके, सेकेंड ड्रॉबैक की बात करते हैं तो वो है इट डज नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसे बोलते हैं हम जीमैन इफेक्ट, एंड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे बोलते हैं हम स्टार्क इफेक्ट, सही है। कि जब हम ड्यूरिंग स्पेक्ट्रम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जो स्पेक्ट्रम है उसमें हमें स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। वो स्प्लिटिंग कैसे आती है वो जो हमारा बोर मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं करता है, सही है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और जो इफेक्ट देखने को मिलती है जीमेन इफेक्ट बोलते हैं, और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और जो स्प्लिटिंग देखने को मिलती है उससे स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। ओके, उसके बारे में भी हम लिख लेते हैं कि जीमेन इफेक्ट क्या है और ये जो स्टार्क इफेक्ट है वो क्या है। ओके, तो फर्स्ट सी दैट, जिस इंफॉर्मेशन के लिए है जीमेन इफेक्ट, सही है, किसे बोलते हैं, इट ऑब्जर्व दैट इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड स्पेक्ट्रल लाइन gets splits up into closely spaced lines. Such phenomenon is known as Zeeman effect. सही, उसी को क्या बोलते हैं, Zeeman effect बोलते हैं। तो जो स्टार्क इफेक्ट क्या है, स्टार्क इफेक्ट, द स्प्लिटिंग लाइन अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट, सही, इलेक्ट्रिक फील्ड
की वजह से जो इफेक्ट देखने को मिलती है उसे स्टैक इफेक्ट बोलते हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से देखने को मिलती है उसे जी में इफेक्ट बोलते हैं। क्या होता है, तो जो भी हमारा स्पेक्ट्रा है उसकी जो लाइन है वो स्प्लिट हो जाती है बहुत ज़्यादा क्लोज क्लोज लाइन में। सही है, उसे देख लेते हैं हम कि कैसे स्प्लिट होती है। सपोज कि कोई स्पेक्ट्रम है, वहाँ पे हमने ये जो है वो कलर पोर्शन वाली लाइन है। ओके, ऐसे ही हमने स्पेक्ट्रम देखा था, कुछ कुछ कलर्स मिलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम में। ओके, जब हम मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाते हैं, ये जो लाइन है वो छोटी छोटी लाइनों में स्प्लिट हो जाती है। मतलब ये वाला पोर्शन अगर आप देखो कुछ ऐसा आपको छोटी छोटी लाइनों में स्प्लिट हुआ मिलेगा, ये वाला पोर्शन फिर से छोटी छोटी लाइनों में स्प्लिट हुआ मिलेगा। सही, तो उसी को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, वो स्प्लिटिंग अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो तो ज़िमेन इफेक्ट है, और अगर वही स्प्लिटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो तो स्टैक इफेक्ट है। तो ये सारी जो चीज़ है वो हमारा बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता कि स्प्लिटिंग क्यों होती है। ओके, नाउ डिस्कस द थर्ड लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल विच इज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड्स एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। सही है, कि जो हमारे एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं, केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं उसे एक्सप्लेन नहीं करता है। दूसरा, वो किस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता है, तो जब उसका जो हमारे मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं उसका शेप कैसा है उसे भी वो एक्सप्लेन नहीं करता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट मीन्स ड्रॉबैक ऑफ दैट बोर मॉडल इज इट कुड नॉट एक्सप्लेन थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। राइट, हमें पता है कि जो हमारे एटम्स है वो 3D शेप, उनका जो शेप है वो 3D में होता है, हमारे सारे एटम मॉलिक्यूल्स 3D है। सही है, तो वो जो हमें शेप दिया गया है सिर्फ 2D में है, उसका 3-dimensional शेप बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। ओके, और जो लास्ट बात है, जो उसकी लास्ट लिमिटेशन है वो है बोर्स मॉडल is not in accordance with the Broglie and Heisenberg uncertainty प्रिंसिपल। सही है, कि जो बोर मॉडल है वो किसके साथ तो मैच नहीं होता है, तो जो डी ब्रोगली इक्वेशन है और जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल है उसके साथ वो मैच नहीं होता है। सही है, तो ये हो गया हमारे लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। अब हमें ये जो दो हमने टर्म देखी है, एक तो द ब्रोगली इक्वेशन एंड सेकेंड वन इज द हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, वो क्या है उसके बारे में पहले स्टडी कर लेते हैं। ओके, उसके बाद इसकी जो ड्रॉबैक्स है उसको भी किसी ने रिकवर किया था, उसके बारे में भी हम उसके बाद स्टडी करेंगे। ओके, तो पहले स्टडी कर लेते हैं अबाउट द डी ब्रोगली एंड द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था जे.जे. थॉम्सन के मॉडल से, उसके बाद रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल स्टडी किया, फिर नील्स बोर का मॉडल स्टडी किया, साथ में उसकी लिमिटेशंस भी हमने देखी। सही है, मतलब लिमिटेशन आ गई, मतलब कुछ और भी नया होगा। सही है, तो जो नील्स बोर का मॉडल था उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला मॉडल है टूवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल
मॉडल ऑफ द एटम, सही है, कि हमने अरा जो हमें लास्ट मॉडल स्टडी करना है वो कौन से टाइप का है, तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है. ओके, तो उसको किसने लीड किया, सही है, हमने देखा कि जो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स थे उसकी वजह से नील्स बोर का जो हमारा मॉडल था वो एग्जिस्टेंस में आया, सही है. उसके लिए मेनली दो चीज़ें हमने स्टडी की थी, फर्स्ट तो रेडिएशन का वेव नेचर, दूसरा हमने स्टडी किया पार्टिकल नेचर, फिर स्पेक्ट्रा स्टडी किया, और इन दोनों को रिकवर करते हुए, उन दोनों को जस्टिफाई सेटिस्फाई करते हुए हमने नील्स बोर को स्टडी किया, सही है. लेकिन हमने नील्स बोर के जो एटॉमिक मॉडल था उसमें भी कुछ लिमिटेशन देखी, तो उस लिमिटेशन को रिकवर करने के लिए एक और नया मॉडल एग्जिस्टेंस में आया, सही है, और वो कौन सा है, हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. तो इसी जो इसका जो डेवलपमेंट है उसके लिए जो दो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कौन सी है, उसके बारे में फर्स्ट हम देखते हैं. तो फर्स्ट है हमारा कि ये जो मॉडल है, सही है, टू इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स विच कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वर, कि ये दो जो है उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है इस टाइप के मॉडल को फाइंड आउट करने में, सही है, उसका फॉर्मेशन करने के लिए. तो फर्स्ट है हमारा डी ब्रोगली इक्वेशन, ओके, डी ब्रोगली प्रिंसिपल, और वी कैन से दैट इट्स अ ड्यूअल नेचर ऑफ, उन्होंने जो था वो किसके अकॉर्डिंग किया था, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, सही है, उसके ऊपर उनका जो प्रिंसिपल है वो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर के ऊपर है. और जो दूसरा था वो है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल. तो ये दो जो फैक्टर्स है, ये दो जो हमारी थियरी से, उसी की वजह से जो हमारा लास्ट वाला क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो एग्जिस्टेंस में आया. ओके, तो वन बाय वन हम उनके बारे में डिटेल में स्टडी कर लेते हैं कि ये दोनों क्या है. ओके, तो फर्स्ट स्टडी करते हैं हम डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर, सही है, कि डी ब्रोगली का जो ड्यूअल नेचर के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट था उसे पहले स्टडी करते हैं, आफ्टर दैट हाइजेनबर्ग को भी हम स्टडी करेंगे. ओके, तो जो हमारे डी ब्रोगली थे उन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली यहाँ पे ये है, ओके, डी ब्रोगलीज कॉन्सेप्ट, मूविंग मैटर जैसे कि मूविंग मटीरियल ऑब्जेक्ट पजेस ड्यूअल कैरेक्टर राइट, जैसे हमारा वेव है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, सही है, किसके जैसे, लाइक रेडिएशन, कि जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो हमारा, सही है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो तो उसके दो नेचर होते हैं, फर्स्ट होता है उसका वेव नेचर
और दूसरा होता है उसका पार्टिकल नेचर। सही है। अब उन्होंने क्या बोला, तो ही गेव वन इक्वेशन फॉर दैट पार्टिकल नेचर, राइट। दी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मटेरियल पार्टिकल इज गिवन एज उन्होंने जो वेवलेंथ है उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला दी थी। वो फॉर्मूला थी हमारी लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी, और वी कैन राइट दैट फॉर्मूला एज अ लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। सही है। यहाँ पे जो लैम्बडा है वो क्या है, हमारी वेवलेंथ है। सही है कि जो मूविंग पार्टिकल है उसकी वेवलेंथ है। एच हमें पता है क्या है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट। सही है। यहाँ पे जो आप पी देख रहे हो वो पी क्या है, तो मोमेंटम है। वो क्या है, मोमेंटम है। और मोमेंटम किसके अकॉर्डिंग होती है, तो पी इज इक्वल टू एम वी होता है, जहाँ एम क्या होता है, तो मास ऑफ दैट मूविंग ऑब्जेक्ट, मास ऑफ पार्टिकल, राइट, कि जो मूव कर रहा है उस पार्टिकल का मास। एंड जो वी है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ओके। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दी थी कि जो भी हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, जो भी पार्टिकल है, रेडिएशन है, जो मूव करता है, उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी होगी, एच इज इक्वल टू एच बाई पी, और यहाँ पे पी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो वी विल गेट लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। सही है। ये इक्वेशन किन्होंने दिया था, दी ब्रोगली ने दिया था। ओके। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल कैरेक्टर गिव rise to the wave mechanical theory according to which electrons, protons and even atom possess wave properties in nature, right, in motion। कि जब भी वो मोशन में होते हैं तब हमारे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, या कोई भी एटम पार्टिकल हो, उनके पास क्या होता है, तो वेव प्रॉपर्टी होती है। वो किसके अकॉर्डिंग पता चला, तो जो डी ब्रोगली का ड्यूअल नेचर कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग पता चला। सही है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है उसके भी कुछ लिमिटेशंस थे, तो हम ये लिख रहे थे इट्स अ लिमिटेशन। ये वाला पॉइंट है उसकी लिमिटेशन है, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट है उसकी लिमिटेशन है, ये वाला पॉइंट, सिर्फ ये एक पॉइंट। ओके। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअलिटी इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक एटम, इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा, राइट। द वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड विथ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस। सही है। कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है,
तो जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, जो स्मॉल पार्टिकल्स है, सही है, लाइक एटम, इलेक्ट्रॉन, उनके लिए ही सिर्फ ये ड्यूअल नेचर की जो ये कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल है। अगर हम मैक्रोस्कोपिक कोई ऑब्जेक्ट की बात करें, सही है, तो तब वो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यूजफुल है नहीं। ओके, दिस कॉन्सेप्ट justifies the quantization of angular momentum। सही है, एंगुलर मोमेंटम के बारे में हमने नील्स बोर के मॉडल में बात की थी, स्टडी किया था, सही है। तो उसी को ये जो हमारा ड्यूअल बिहेवियर कॉन्सेप्ट है वो भी क्या करता है, तो जस्टिफाई करता है कि जो एंगुलर मोमेंट है उसके लिए कोई फिक्स्ड क्वांटाइजेशन, मतलब कि कोई फिक्स वैल्यू ही मिलती है। जैसे हमने नील्स बोर मॉडल में देखा था, सही, जो एनर्जी है उसके लिए कोई क्वांटाइज वैल्यू मिलती है। नील्स बोर में हमने ये भी बोला था जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू किसके अकॉर्डिंग मिलती है, nh/2π के अकॉर्डिंग मिलती है, क्वांटाइज वैल्यू मिलती है। तो उससे ये जो हमारा डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर है वो भी क्या है, जस्टिफाई करता है। ओके, नाउ दिस डी ब्रोगली वेवलेंथ कैन बी डी ब्रोगलीज वेवलेंथ कैन बी कैलक्यूलेटेड फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल यूजिंग फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कि जो हमारी वेवलेंथ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है, वो हम इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से, तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास पहला एक इक्वेशन था, कौन सा वाला इक्वेशन, तो वी नो दैट 1/2 mv² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, राइट। और जो हमारा ये एक इक्वेशन है, और जो हमें अभी इक्वेशन मिला वो कौन सा था, तो लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv, सही है। अब यहाँ पे अगर हम क्या करें, तो v की वैल्यू रिप्लेस कर दे इसमें से, तो v की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे पहले हम 2 को ऊपर ले जाएंगे, m को नीचे, देन वी विल गेट v² इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी बाई m, राइट। नाउ यहाँ पे स्क्वायर है, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने से ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा, एंड वी विल गेट दैट v इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी बाई m, राइट। तो ये v की वैल्यू यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं, देन वी विल गेट h/m, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ हो जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी, और ये डिवीजन के डिवीजन में है तो ऊपर चला जाएगा अंडर रूट ऑफ m। अब ये भी m है, यहाँ पे अंडर रूट m है, यहाँ पे m है, तो हम इस m की जगह ऐसा सपोज कर सकते हैं m इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m इंटू अंडर रूट ऑफ m। सो ये अंडर रूट और स्क्वायर जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा और हमें m मिल जाएगा। तो इस m की जगह हम ऐसा लिखे तो एक और ये एक वाला कैंसल आउट हो जाएगा, देन यू विल गेट द फॉर्मूला लैम्बडा इज इक्वल टू h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, सही है। तो ये जो फॉर्मूला है उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, जब हमें वेलोसिटी पता हो तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, या काइनेटिक एनर्जी पता हो तो वी कैन कैलकुलेट द लैम्बडा, और वेवलेंथ पता हो तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ द ड्यूअल नेचर। नाउ वी टॉक अबाउट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला हमने डी ब्रोगली का ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है उसी की वजह से हमारा क्वांटम मॉडल क्या आया था, एग्जिस्टेंस में आया था।
तो उसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है? द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर पोजिशन एंड पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ पोजिशन एंड मोमेंट ऑफ ऑफ एनी माइक्रोस्कोपिक एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कौन से हो गए हमारे? तो आप इलेक्ट्रॉन ले लो, प्रोटॉन ले लो, कोई भी सही है। तो ऐसे जो हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है साइमल्टेनियसली विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, सही है। उसका स्टेटमेंट क्या कहता है? इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर पोजिशन एंड मोमेंटम, सही है, ऑफ एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल साइमल्टेनियसली विद द एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, कि जो हमारा पार्टिकल है माइक्रोस्कोपिक उसकी पोजिशन और मोमेंटम अगर हमें दोनों साथ में एक्यूरेसी के साथ मेजर करनी हो तो वो चीज क्या है? इम्पॉसिबल है। ओके, कि किसी भी अगर हम सब एटॉमिक पार्टिकल या कोई भी टाइनी पार्टिकल के बारे में उसकी पोजीशन और मोमेंटम के बारे में एक्यूरेट आंसर चाहते हो एक साथ, तो वो दोनों क्या है? इम्पॉसिबल है। ओके, इट हैज बीन सीन दैट, इट हैज बीन सीन दैट प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, सही है, इन पोजिशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच बाई फोर पाई, राइट। उन्होंने क्या बोला था कि अगर हमें पोजिशन मोमेंटम दोनों एक साथ एक्यूरेट चाहिए तो वो मेजरमेंट करना इम्पॉसिबल है। साथ में उन्होंने ये बोला कि प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टिनिटी इन पोजिशन एंड अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम, इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट ले तो ऑलवेज वो क्या मिलेगा हमें? कांस्टेंट मिलेगा, और उसकी वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर और इक्वल टू, तो एच फोर पाई से ही उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं, देन वी विल गेट द डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल टू एच बाई फोर पाई, राइट। यहाँ पे अगर हम पी की वैल्यू रिप्लेस कर दे देन वी विल गेट एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर और इक्वल टू एच बाई फोर पाई, राइट। ये जो एक्स है हमारा डेल्टा एक्स है वो क्या है? तो अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, सही है। अगर आप डेल्टा पी की बात करो इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, सही है। अब यहाँ पे P की जगह आपने एम वी रिप्लेस कर दिया, तो M तो क्या होता है? मास ऑफ पार्टिकल तो फिक्स होगा, तो यहाँ पे हमने डेल्टा नहीं लिखा क्योंकि वो तो सर्टन अमाउंट होगी, तो मास ऑफ पार्टिकल। और जो अनसर्टिनिटी है वो किसकी वजह से हो जाएगी? वेलोसिटी की वजह से, मतलब हम ये बोल सकते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू द अनसर्टिनिटी इन वेलोसिटी, राइट। जो h है वो प्लैंक कांस्टेंट है, और 4 पाई तो क्या है? तो कांस्टेंट है, h इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट,
ओके तो ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो हमारे हाइजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करती है। वो क्या बोलते हैं कि जब भी हम किसी भी सब पार्टिकल का, सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का अगर पोजीशन मोमेंटम साथ में मेजर करें तो दोनों चीजें एक्यूरेट नहीं मिलेगी कभी भी। ओके एक्यूरेट नहीं मिलेगी मतलब उन्होंने ये बोला कि अगर हम एक्यूरेट नहीं है तो वो अनसर्टन हो जाएगी। तो जो अनसर्टिनिटी इन द पोजिशन एंड अनसर्टिनिटी इन द मोमेंटम है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू होगा एच बाई फोर पाई। तो ये आपकी फॉर्मूला हो गई जहां पे हमने डेल्टा एच इक्वल टू एम डेल्टा वी रिप्लेस किया है। ओके तो ये दोनों फॉर्मूला जो है वो हमारे किसको रिप्रेजेंट करती है, हाइजेनबर्ग के अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल को। ओके मतलब अगर एक्स आपको एक्यूरेट मिला तो ये अनसर्टन हो जाएगा, ये अगर आपको सर्टन मिला तो ये वैल्यू अनसर्टन हो जाएगी, दोनों साथ में सर्टन पॉसिबल है नहीं। ओके होप यू अंडरस्टैंड अबाउट टूडेज ऑल टॉपिक विच वी आर कवर्ड इन दिस लेक्चर। ओके इफ देर इज एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू।